मुझे टिकट दे दो। प्रोफेसर एनजी कुमार जी, भारतीय विश्वविद्यालय संघ सेक्रेटरी जनरल श्रीमती पंकज मित्तल जी, एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी श्री दीपक सूद जी, एसोसिएशन के चेयरमैन श्री कुलशेखर जी, सब अध्यक्ष डॉक्टर अश्विनी रोशन जी, पंसोन एजुकेशन के सह संस्थापक श्री पीयूष नगरोजी समेत में उपस्थित अन्य महानुभावगण, देवी और सज्जन, मेरे लिए यह अत्यंत प्रसन्नता की बात है कि आज मुझे एसोसिएशन के तत्वाधान आयोजित 15वें इंटरनेशनल एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट समिट 22 के उद्घाटन सत्र में आप सभी के बीच उपस्थित होने का अवसर प्राप्त हुआ है। मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया ने भारतीय उद्योग और व्यवसाय गतिविधियों के साथ साथ भारतीय शिक्षा विशेष और उच्च शिक्षा के स्थान की दिशा में काफी संवेदनशीलता दिखाई है। यह बहुत अच्छा है, न केवल शिक्षा की विशेषज्ञता के मामले में बल्कि कौशल विकास के मामले में भी। मैं एसोसिएशन को इसके लिए बधाई दूंगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस समय देश भर के प्रतिष्ठित सरकारी और निजी संस्थानों में शिक्षा में कुलाधिपति, कुलपति, प्राचार्य, निदेशक और प्रमोटर और छात्र सभा कर रहे हैं। देश का पुराना संगठन होने के नाते आज एसोसिएशन से 250 से अधिक चैम्बर्स और ट्रेड एसोसिएशन संबंध है और पूरे देश में 4.5 लाख से अधिक उद्योग सदस्यों की सेवा कर रहे हैं। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव के साथ साथ उथल पुथल भी देखी। आज यह संगठन देश की शिक्षा, व्यापार, वाणिज्य और औद्योगिक वातावरण को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। एसोसिएशन 102 नोटआउट है और अपना देश एकता आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। खास बात यह है कि इसी साल हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने की प्रक्रिया पूरे देश में जोरों से चल रही है, जो नए भारत के निर्माण में बड़ी भूमिका निभाएगा। किसी भी देश के निर्माण का आधार युवाओं को हम ऐसी शिक्षा और कैसे दिशा में देते हैं उन पर काफी निर्भर रहता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने का कार्य आज एक मिशन की तरह पूरे देश में चल रहा है। उत्तर प्रदेश में भी हम सब आंगनबाड़ी से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति का लाभ देश को मिले इसके लिए पूर्ण जोश में लगे। यूनिवर्सिटी को भी आंगनबाड़ी से जोड़कर आंगनबाड़ी को बेहतर सुविधा मिले इसका प्रयास कर रहे हैं और इसमें मुझे कहना है कि इसमें हमारी यूनिवर्सिटी और इसके साथ जितने भी संलग्न कॉलेजेस हैं इन सभी कॉलेजों को इसमें जोड़ा है, क्योंकि जब हम नेशनल कॉलेज की बात करते हैं, केजी से पीजी तक की बात करते हैं और हमारा ध्यान सिर्फ यूनिवर्सिटी तक सीमित रहेगा और हमारे जो छोटे छोटे बच्चे गरीब परिवार के वो छुटते नहीं चाहिए, वे भी इस तरह पढ़ने अपने छोटे छोटे कमरे में उनके लिए भी हमें सुविधा प्रदान करनी है। और इसी वजह से उत्तर प्रदेश में मैंने अभियान शुरू किया है और आज तक आप सब लोगों के सहयोग से यूनिवर्सिटी और कॉलेज के सहयोग से 200-300 आंगनबाड़ी तक हम पहुंचे हैं और एक आंगनबाड़ी में 50,000 रुपए के साधन एजुकेशन फीस शामिल हुई है और वे हम दे रहे हैं। इसके साथ साथ बच्चों को कैसे पढ़ाना, छोटे बच्चों को कैसे पढ़ाना है, क्या सिखाना है,
संस्कार तो वहां से मिलते हैं। और इसी वजह से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का ट्रेनिंग भी हम लोगों ने शुरू किया है और दोनों भोपाल में भी किया और लखनऊ में हुआ और सासू में और वो ट्रेनिंग आज आगे चल रही है। मतलब ये हुआ कि मैंने केजी टू पीजी को जोड़ने का प्रयास किया है। भारत के दीप्त सुनहरे भविष्य के संकल्प के साथ अब आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। उस भविष्य की ओर हमें आज की नई पीढ़ी राज्य शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से ले जाएगी। शिक्षा द्वारा हमें ज्ञान आधारित समाज की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए देश के लोगों को सक्षम बनाना होगा। इसके माध्यम से भविष्य में हम कितना आगे जाए, कितनी ऊंचाई प्राप्त करेंगे, यह इस बात पर निर्भर करती है कि हम अपने युवाओं को वर्तमान में कैसी शिक्षा दें। इसलिए मैं मानती हूँ कि भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति राष्ट्र निर्माण के महायोजना में बड़े फैक्टर में से एक है। जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है तो मैं बताना चाहूंगी कि प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय शिक्षकों प्रधानाचार्य और शिक्षा से जुड़े अन्य महानुभाव ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को धरातल पर उतारने में बहुत मेहनत की। इसको चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है। विगत एक वर्ष में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को आधार बनाकर अनेक बड़े फैसले लिए गए हैं। इंडस्ट्रियल सभी का युवा नए नए स्वप्न देख रहे हैं, उनमें नई ऊर्जा और नयापन भी है। वो बदलाव के लिए तैयार व इंतजार नहीं करना चाहते। आज का युवा अपनी दुनिया अपने तरीके से बनाना चाहते हैं, उनको बांधना पसंद नहीं, उन्हें मुक्ति से उड़ना। छोटे छोटे गांव से आ रहे युवा भी असाधारण काम कर रहे हैं। रोबोटिक्स, इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग जैसे क्षेत्र अपने परचम आज का युवा ले रहा है। यही युवा भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को डिवेलपमेंट कर रहे हैं। डिजिटल इंडिया को नई गति दी है। पूरे देश में डिजिटल रिवॉल्यूशन एक साथ समाप्त तरीके से शहर से लेकर गांव तक हो रहा है। आज विश्व भारत की सफलता को पॉलिटिकली देख रहा है, जो पहले कभी नहीं देखा था। इसलिए हमें विश्वास है कि नई टेक्नोलॉजी से हम चैलेंज और सरल करेक्शन से चेंज लाएंगे। हम सभी ने देखा है कि कोरोना काल में कैसे हमारी शिक्षा व्यवस्था सामने चुनौतियों आई थी। स्टूडेंट की पढ़ाई का जीवन का मूल भी बदल है, लेकिन उत्तर प्रदेश एवं देश के विद्यार्थियों ने तेजी से इस बदलाव को स्वीकार किया। ऑनलाइन एजुकेशन अब एक सहज चलन बन गया है। आज कोरोना के कठिन समय में ऑनलाइन शिक्षा का महत्व हम सहज ले रहे हैं। भारत सरकार ने स्कूल एजुकेशन के लिए दीक्षा प्लेटफॉर्म और उच्च शिक्षा के लिए स्वयं प्लेटफॉर्म द्वारा चलाए जा रहे पाठ्यक्रम विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित हुए। शिक्षा पर आज तक 4,52,000,000,000 से ज्यादा हिट हुए तथा स्वयं पोर्टल पर 2,700 से ज्यादा कोर्स के लिए 1,25,000,000 से ज्यादा विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत आज देश में इंजीनियरिंग की शिक्षा भी मातृभाषा से ही जाती है। 11 से ज्यादा भाषाओं में इंजीनियरिंग की पढ़ाई, जिससे देश के अंतिम कोने तक के बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा मिलने से उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा और अपने सामर्थ्य को उजागर करने का मौका भी मिलेगा और समाज को लैंग्वेज के बांधने का समय समाप्त हो जाएगा। मित्रों, आज का युवा अपनी व्यवस्थाएं अपनी सुविधा खुद अपने हिसाब से बनाना चाहता है और इसलिए एक्सप्लोर चाहिए क्योंकि पुराने बंधन से मुक्ति चाहिए। आज छोटे छोटे गाँव और कस्बों से निकलने वाले युवाओं की प्रतिभा
आपके सामने इन्हीं दूर दराज इलाकों और सामान्य परिवारों से आने वाले युवाओं ने टोक्यो ओलंपिक्स में देश का झंडा बुलंद किया है, ये सब लोगों ने देखा है। ये भारत को नई पहचान दे रहे हैं। देश के ऐसे ही करोड़ों युवा आज अलग अलग क्षेत्रों में असाधारण काम कर रहे हैं, असाधारण लक्ष्यों की नींव रख रहे हैं। कोई कला और संस्कृति के क्षेत्र में पुरातन और आधुनिक फ्यूजन से नए विचारों को जन्म दे रहा है। कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में मानवीय क्षमताओं को नई ऊंचाई दे रहा है, तो कोई मशीन लर्निंग में नए माइलस्टोन की तैयारी कर रहा है। यानी हर क्षेत्र में भारत के युवा अपना परचम लगा रहे हैं। यही युवा भारत के स्टार्टअप इको सिस्टम को रिवोल्यूशन कर रहे हैं, डिजिटल इंडिया को नई गति दे रहे हैं। युवाओं की इन्हीं सभी गतिविधियों को दृष्टिगत रखते हुए ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उनके सपनों को साकार करने की व्यवस्था रखी गई है, ताकि युवा मन इस दिशा में सोचना चाहे, खुले आकाश में जैसे उड़ना चाहे, देश की नई शिक्षा व्यवस्था उसे वैसे ही अवसर उपलब्ध कराए। आज बन रही संभावनाओं को साकार करने के लिए हमारे युवाओं को दुनिया से एक कदम आगे बढ़ना पड़ेगा, एक कदम आगे का सोचना होगा, क्योंकि आज विश्व के अनेक देश भारत की ओर देख रहे हैं। वह हेल्थ हो, डिफेंस हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, टेक्नोलॉजी हो, आदि सभी क्षेत्रों में देश को समर्थ और आत्मनिर्भर होना होगा। आत्मनिर्भर भारत का ही रास्ता स्किल डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी से होकर जाता है। नई पीढ़ी के युवाओं का कौशल विकास एक राष्ट्रीय जरूरत है और आत्मनिर्भर भारत का बहुत बड़ा आधार है। इसलिए पूरी ताकत से हमें नई शिक्षा नीति के माध्यम से स्किल इंडिया मिशन को गति देने को, हमारे युवाओं को कौशल विकास के जरिए खुद को और देश को आत्मनिर्भर बनाना है। और यह तभी संभव होगा जब कौशल विकास हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा बनेगा। आज दुनिया में कौशल की इतनी मांग है कि जो कुशल होगा वही आगे बढ़ेगा। यह बात सत्य और भी लागू होती है और देश पर भी। दुनिया के लिए एक स्मार्ट और कुशल श्रम समाधान भारत दे सके या हमारे नौजवान की हमारे नौजवानों की कौशल रणनीति के मूल में होना चाहिए। हमारे युवाओं को अपने कौशल को और निखारने का प्रयास अनवरत जारी रखना होगा। जिस प्रकार तेजी से प्रौद्योगिकी बदल रही है, आने वाले वर्षों में ऐसे कुशल लोगों की मांग तेजी से बढ़ेगी। यूजीसी द्वारा 3000 से ज्यादा इंस्टीट्यूट को छोड़कर स्किल बेस्ड प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, इसके लिए मैं यूजीसी को बधाई के साथ साथ ये भी हूँ। इस समय में बड़ी संख्या में हमारे शिक्षा और उपस्थित है जो किसी न किसी शैक्षणिक संस्थान से संबंध है। आपका शैक्षणिक संस्थान विद्यार्थियों के कौशल विकास को प्राथमिकता देकर उन्हें उद्यमिता के लिए तैयार कर सकते हैं। शिक्षा नीति में पुस्तक के ज्ञान के साथ ही विद्यार्थियों को स्कूल और उच्च शिक्षा में व्यावसायिक और कौशल शिक्षा के पाठ्यक्रमों से दीक्षित किए जाने पर जोर दिया गया है। मैं यह भी कहना चाहूंगी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के फॉर्मुलेशन से लेकर इम्प्लीमेंटेशन तक हर स्टेज पर हमारे शिक्षक सक्रिय रूप से इस अभियान का हिस्सा रहे। आप सभी शिक्षा के क्षेत्र में अनुभव रखते हैं, आप व्यापक अनुभव के धारक हैं, इसलिए जब आप प्रयास करेंगे तो आपके प्रयास राष्ट्र को बहुत आगे लेकर जाएंगे। मित्रों, आज देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। सभी क्षेत्रों में ऐसे बदलावों को देखा जा सकता जो नए भारत के साथ ही आत्मनिर्भर भारत के लिए आवश्यक भी है। यह समय हमारे नौजवानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का युवा देश का तेज विकास चाहता है। हमारे देश के अनेक कुशल कामगार
और प्रोफेशनल से कई देशों की अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचाया है। मैं विश्वास करती हूँ कि एसोचैम संगठन से जुड़े महानुभाव जिस प्रकार देश के औद्योगिक विकास में योगदान दे रहे हैं, उसी प्रकार युवाओं के कौशल विकास को बढ़ाने में आपका एक संगठन महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। इसके लिए संकल्प की आवश्यकता है। आज एक बार और मैं कहना चाहती कि जो देश के उद्यमों का ये बहुत ही जरूरी है। जब मैं गुजरात में मुख्यमंत्री थी और राजस्व मंत्री थी, तब भी मुझे ये ध्यान में आया था कि एक ही पोर्टल पर सब सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। एक ही पोर्टल पर हर राज्य में स्टार्टअप की सुविधा के लिए सेंटर की स्थापना होनी चाहिए, पेटेंट प्राप्त करने की सुविधा, इंक्यूबेशन उन्नयन और स्टार्टअप को रेंटल लीज प्राप्त करने में आसानी हो, इंक्यूबेटर बेहतर ढंग से कर सके, स्टार्टअप से संबंधित कार्यक्रम को निवेश प्राप्त करने के अधिक अवसर, वित्तीय और गैर वित्तीय सहयोग से इनोवेशन को बढ़ावा मिले, इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल होना चाहिए। इसकी वजह से एक ही जगह से एक ही ई पोर्टल से सभी को एक सुविधा प्राप्त हो और मैं चाहती हूँ कि हर एक स्टेट में सभी स्टेट में ऐसी सुविधा होगी तो हमारा देश बहुत ही तेज गति से आगे बढ़ेगा। ऐसा चेन कई काफी काम कर रहे हैं। मैं तीन राज्यों में घूम रहा हूँ, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अभी यूपी। कई गांव में मैं जाती हूँ, महिलाओं के साथ रहती हूँ और इसमें खास करके सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं आज पूरे देश में बहुत ही सुंदर काम कर रही है, उत्पादन भी कर रही है और ट्रेनिंग भी ले रही है, ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी काम कर रही है। और जब इन सब काम में उनकी जो प्रदर्शन शक्ति है, प्रदर्शन में जब मैं देखती हूँ और महिलाओं के साथ जब मैं चर्चा करती हूँ तो इसकी एक ही मांग रहती है और ये मांग है मार्केटिंग प्लेटफॉर्म में, और दूसरी मांग होती है कि जो ये प्रोडक्ट बनाती है इसमें डिजाइन है, तो एक डिजाइन की व्यवस्था और मार्केटिंग व्यवस्था जो हम कर सकते हैं तो हमारी महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकती है। आज महिलाओं के सामने जो समस्याएं हैं आप सब जानते हैं, इतनी परेशानी महिलाएं आज भुगत रही है घर में और घर से बाहर। ये परेशान तो इसी वजह से है कि वो आत्मनिर्भर नहीं है, वो आत्मनिर्भर बन जाएगी और वो कमाने लगेगी, इसके हाथ में 5-10 हजार रुपया महीने भर में या 2 महीने में आ जाएगी तो किसी के सामने हाथ लंबा करने की आवश्यकता नहीं मिलेगी। आज कई महिलाएं मुझे मिलती है तब ये कहती है कमाने वाली महिलाएं ही होती है, क्या बताऊं। और इसी वजह से मैं ये चाहती हूँ कि एसोचैम ऐसी महिलाओं के साथ मिलकर ऐसी कोई व्यवस्था खड़ी करें कि जिसकी वजह से उसकी प्रोडक्ट बाजार में जाए, इसकी प्रोडक्ट बनाने के लिए उसको कुछ न कुछ डिजाइन देने वाले लोग मिले, उसके साथ जुड़े और अच्छी तरह से अपना काम करें और साथ साथ उनको जो बैंक से पैसे चाहिए वो भी पैसे उसको मिल जाए तुरंत, तो वो अच्छी तरह से काम कर सकती है और उसका सहयोग भी देश के विकास में आज हो रहा है, अच्छा काम करके देश को सहयोग कर रही है। तो ऐसे काम हमारे एसोचैम भी कर सकते हैं और मैं चाहती हूँ कि महिलाओं के साथ जुड़कर आप महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बना सकते। बात में कहना चाहती हूँ जबकि हमारे यूजीसी के चेयरमैन है और उन्होंने बताया कि कोई आवश्यकता है सुधार की, कोई मेरे विचार मेरे अब
अक्सर अस्थि यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह में मैं और एक बार नहीं 3 साल मतलब 240 बार यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में गई और मैं जब ध्वज देती हूँ ऊपर 200 एकड़ जमीन एक ध्वज इधर दूसरा वहां तीसरा वहां चौथा इधर पांचवा वहां और बहुते 10 किलोमीटर दूर हम सोचे तो सही मित्रों कि हमारी बच्चियों हमारे स्टूडेंट बिना साधन 10 किलोमीटर दूर से चलकर इस भवनों में कैसे आते हैं। दूसरा मेरा एक कहना है नियम 200 एकड़ जमीन पर भवन बनती भवन की दुर्दशा आपने देखी है हॉस्टेलों की व्यवस्था दुर्दशा आपने देखी है मैं तो सब कुछ देखकर आया मैं मानती हूँ कि क्या मल्टी लेवल घर नहीं बना सकते विदेशों में है कि नहीं और हमारे स्टूडेंट बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं एक्सपर्ट बनने के लिए बाहर जाते हैं 10 मंजिले भवन बनाकर क्या हम शॉर्ट नहीं कर सकते हैं और इसमें लिफ्ट हो सभी सुविधा हो और बच्चे आसानी से वहां पढ़ सके। देखिए मैं देखती हूँ कि यूनिवर्सिटी को राज्य सरकार सबसे पहले 100 करोड़ 150 करोड़ रुपया देती है इसका उपयोग सबसे पहले क्या होता है 200 एकड़ जमीन की कंपाउंड वॉल बनाने में कंपाउंड वॉल फिर 1 साल 2 साल के बाद फिर 50 करोड़ मिलेगा जो भवन बनेगा एक फिर आएगी कॉलेज का फिर आएगा उनका फिर आएगा हमारे देश के एक गरीब देश के लिए आवश्यकता है सभी और इसी वजह से मैं तो एक प्रार्थना करती हूँ कि सब इकट्ठे हो यहाँ कितनी हाँ मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए जरूरत है कृषि यूनिवर्सिटी के लिए जरूरत है लेकिन जो हम ऐसे कोचिंग चलाते हुए जिसमें ज्यादा जमीन की आवश्यकता नहीं है तो इतनी महंगी जमीन का उपयोग हम न करें 50 एकड़ 60 एकड़ जमीन और मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बनाकर हमें हमारे बच्चों को अच्छी तरह से सुझाव है। दूसरा मेरा सुझाव है यूजीसी ग्रांट देती जो यूनिवर्सिटी को 100 साल हो गए हैं जो 50 साल से काम कर रहे हैं जो 40 साल से काम कर रहे हैं उनको भवन की कोई आवश्यकता नहीं भवन की कोई ग्रांट नहीं लेनी चाहिए लेकिन सुधार करने के लिए ग्रांट देने तो जरूरी है। और तीसरा ये नई पॉलिसी जो आ रही है इसमें कई अनेक प्रकार से लैब बनाने की आवश्यकता है और ये लैब बनाने के लिए टेस्टिंग के लिए यूनिवर्सिटियों को आप ग्रांट कीजिए जिसकी वजह से दूर दूर से आने वाले जो बच्चे हैं उनको वहाँ ही लैब टेस्टिंग का काम भी कर सके और उत्पादन भी कर सके और सहाय भी कर सके। तो मुझे लगता है कि रिफॉर्म के लिए जरूरी है सब लोगों को इकट्ठा करके अभी क्या रिफॉर्म करने की आवश्यकता है यूनिवर्सिटियों में और साथ में किसानों को यूनिवर्सिटियों के साथ कैसे जोड़ना है युवाओं को किसानों के साथ टेक्निकल यूनिवर्सिटियों के साथ कैसे जोड़ना है एक साथ बैठकर हमें सोचना पड़ेगा। साथ में मेडिकल यूनिवर्सिटियों भी मेरे पास है और इसी वजह से मैं मेडिकल यूनिवर्सिटी को ये बताती हूँ कि अब ITI या तो आप टेक्निकल यूनिवर्सिटी के साथ भी MOU साइन करो और छोटे छोटे जो साधन है जो ऑक्सीमीटर है जो ऑक्सीजन मापकर्ता है जो थर्मोमीटर है ऐसे साधन तो हमारे स्टूडेंट अपनी कॉलेज में यूनिवर्सिटी बना सकते हैं और आत्मनिर्भर यूनिवर्सिटी बना सकता है। तो ऐसे कुछ लोगों को साधन देने के लिए या तो ऐसी टेक्निक बच्चे सीखे और बनाए स्वयं और इसका सैर हो इस दिशा में अभी जाने की आवश्यकता मुझे लगती है क्योंकि कृषि
की निवृत्ति मेरे पास है, पशुपालन की निवृत्ति मैं देखती हूँ। क्या गौ संवर्धन हम नहीं कर सकते इंसान? मैंने देखा, तो ये सब यूनिवर्सिटी जब देख कर मैं आई हूँ और नाइटली मैं वहां रहती हूँ और पूरा भ्रमण करती हूँ, पूरा भ्रमण करती हूँ और देखती हूँ। और भवन में भी जो क्लास रूम है, ये क्लास रूम में क्या है ये भी इसी वजह से मैं बोल सकती हूँ कि बहुत ही चेंज करने की आवश्यकता, बहुत ही जरूर करने की आवश्यकता है। और ऐसे समाज में कई वरिष्ठ जो आज रिटायर्ड भी हुए रिसर्चर भी है, क्या चाहता है समाज इसकी भी रिसर्च होती रहती है, ये सब को मिलाकर एक बहुत ही अच्छी तरह से एक प्रोग्राम तैयार करके यूनिवर्सिटी तक पहुंचाने की आवश्यकता है। और दूसरा है, आज 30-30 साल से जो काम करे, मैं मेरा एग्जाम्पल देती हूँ, मैं जब 1960 में पढ़ती थी तो कुछ नहीं था, मैं टेक्नोलॉजी मोबाइल भी नहीं था, कुछ नहीं था, तो परेशानी है। तो आज 30-20 साल से जो अध्यापक कॉलेज में पढ़ा रहा है, क्या वो टेक्नोलॉजी है, क्या वो पढ़ना चाहता है? क्योंकि 1-2 साल में रिटायर होने वाला है, वो तो वही चाहता है कि भाई अब 1-2 साल में क्या ये सब कुछ पढ़ू। तो आवश्यकता है आज टेक्नोलॉजी स्टूडेंट प्रोफेसर की, जिसके पास टेक्नोलॉजी है और आज माध्यम टेक्नोलॉजी का बना हुआ है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो रही है, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, ऑनलाइन आप लेक्चर कर रहे हो सब पर, तो हमारे जो अध्यापक ही उसके ध्यान का नहीं होंगे तो क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? और इसी वजह से ऐसे टीचर्स की नियुक्ति हो जो टेक्नोलॉजी हो और अच्छे परफॉर्मेंस वाले हो, जो अच्छी तरह से बच्चों को पढ़ा सकते हैं। ये भी पढ़ाने के लिए स्किल होती है, वो स्किल डेवलपमेंट होनी चाहिए और इसी वजह से ट्रेनिंग की दुनिया बनता है। और ट्रेनिंग कहीं भी जाती है और ट्रेनिंग देते हैं तो 1 घंटे की या 2 घंटे की ट्रेनिंग मिलती है, इससे कोई फायदा नहीं होता है। तो ये मेरे 2-3 सुझाव थे और मैं चाहती हूँ कि कुछ न कुछ इसमें सुधार है। अंत में मैं समिति की सफलता की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और कामना के साथ अपनी बात समाप्त भी करती हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें और नई ऊर्जा के साथ देश को आगे बढ़ाने के लिए और हमेशा कार्यरत रहें। धन्यवाद। जय। Madam, for bringing out pertinent issues in this sector and setting the tone for the day. As we conclude, we would like to extend special thanks to the distinguished speakers and all of you for sharing your collective vision and knowledge on the subject. We would like to thank our sponsors for the support extended to organize this event. May I request Mr. Deepak, the Secretary General, after him, to deliver the vote of thanks. Thank you. Thank you very much. थोड़ा सा डिसजॉइंटेड था बोलो का, क्योंकि जो मैं सोच के आया था काफी लोग ने बोल दिया है, बट यू नो आई एम स्टूडेंट का दर इन माय हार्ट, आई स्पेंड लॉट इयर्स इन द एजुकेशन ऑफ हम सब लोगों ने अपने जिंदगी 20-25 साल अगले 40 साल पर पढ़ने के बाद जिंदगी जीतने के लिए ट्रेनिंग ली है। एंड आई ऑलवेज कीप ऑन रिंग ऑन साइड 60 एंड आई हैव अ लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ अबाउट 90 आई एम नॉट अर्लियर देन 90 सो फ्रॉम 60 टू 90 व्हाट इज इट दैट आई एम डूइंग। तो ऑनरेबल गवर्नर, थैंक यू सो मच, आप आज यहाँ आए हैं स्पेशली प्रोग्राम के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एंड ऑल्सो ऑल द पीपल ऑन द डाइट फॉर ऑनरिंग मी बाय द पैथोजेन, थैंक यू वेरी मच। द होल टीम ऑफ पैथोजेन हु इज पुटिंग अप दिस प्रोग्राम, सो यू गाइस हैव डन अ वंडरफुल जॉब। द वर्ल्ड दैट वी आर लिविंग इन ऑनेस्टली बहुत बदलाव है, बहुत बदल जाता है, change is constant, the rate is changing and the rate is at which we are changing is very very fast. So what was good yesterday is not good enough today. Now ye cheez whether education field pe le ya industry pe le, I am not in the field of education, I am
deal with industry. So I tend to move towards the business side of what we do. I try not to do that and stay with the education side of it. Just to take a little heads up in this room, how many of us are teachers? Obviously, all of these are teachers. How many years of collective education experience is supplemental data? Can you take a just a guess? I mean, I don't know. I'm just taking the guess. What would it be? 2,000 years. So, 2,000 साल का experience इस समय बैठा है. हम लोग को इसको celebrate करना चाहिए. And thank you very much for you are creating those great humans that we are talking about, the great technical people that we're talking about. All this is for those future generations that we are talking about. I think, ma'am, आपने अपना career as an educator शुरू किया था. और वो भावनाएं वो चीजें आप जो बात कर रही थी तो नजर आ रही थी एंड आपने कई चीजों के ऊपर बात की है तो कई चीजों का मेरे पास इमीडिएट जवाब नहीं है पर एक आश्वासन मैं आपको देता हूँ कि आपको चार चीज तरह से हम इस हर चीज में एक्शन करेंगे और एक्शन लेंगे. तीन बातें जो आपने बोली है एक स्टार्टअप को लेके एक आईपीआर को लेके एक रोल ऑफ विमेन एज ए रिमोटमेंटेड इंडस्ट्री को लेके रोजगार को लेके स्किल को लेके तो आईपीआर सेंटर दो आईपीआर सेंटर आ रहा है. आर एस्पिरेशन इज टू इंक्रीज दैट टू 5. पिछले कोविड के दौरान हम ये लोग होने हैं एंड तकरीबन 200 से ज्यादा एप्लीकेशन ऑफ आईपी हैव बीन फाइल्ड टू बी एक बैंगलोर में है और एक दिल्ली में है. वी एक्सपेक्ट टू ओपन इट मोर. सो दैट्स वन थिंग दैट आई वांटेड टू शेयर विद यू. एंड इनके अंदर देयर आर लेडी एम्प्लॉइज हु आर हेल्पिंग पीपल teaching them as to what is the importance of that IPR. So that's one. We are also running a center of excellence for the knowledge of technology, center of excellence of tribal affairs with the Ministry of Tribal Affairs. This is under some 8,300 professionals gathered from the tribal area. This is under ladies being here, our team being here, और जो आपने बात की ब्रांडिंग की क्वालिटी की क्या प्रोडक्ट होना चाहिए उसके ऊपर हम बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं. पायलट हेल्पिंग टू रिपीट इट एंड आई एम वेरी हैप्पी द गवर्नमेंट इज नॉट एक्सेप्टिंग कि इसको ज्यादातर और एक्सपैंड कर रहे हैं गवर्नमेंट अक्रॉस द स्टेट्स. सो दीज आर टू थिंग्स दैट आई वांट टू टच ऑन. क्लियरली योर टॉक अबाउट अफोर्डेबिलिटी एक्सेसिबिलिटी ऑफ द राइट काइंड ऑफ टाइप एजुकेशन इज वी आर एंड वी विल वर्क विद यू. प्रोफेसर यू स्पोक अबाउट क्रिटिकल थिंकिंग. आई थिंक most important thing, challenging the paradigm, opportunity thinking, I think that is what is the need of the hour and therefore that continues. In data law project, one of the United Nations has that more than 20% of the incremental global workforce for the next 30 years globally is going to come from India. So which means, our pipeline is, if it is quality, it will be very good. You will be able to study this university, you will be able to study this global manpower. Acceptability globally has to be great and if this opportunity, and remember, we are talking about 180 million people which will be added in the workforce of the age of 15 to 64. These are the number of people that we need to look at. So that is the challenge, but also the opportunity. And I think these are those people who can actually earn the money. And remember, and I'm like I said, I'm a bit of an economist and a bit of a businessman, and I talk with the $5 trillion of money which is worth it. मैम ने आत्मनिर्भर भारत के बारे में बात किया. ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिफॉर्म ऑफ द नंबर वेर वी से दैट हम ये चीज अपने लिए क्यों नहीं बना सकते. हम इस चीज को क्यों रिपोर्ट करें. जो चीज करनी है उसको कीजिए बट व्हाट वी कैन एक्चुअली मेक देयर व्हाई शुड वी नॉट मेक देयर एंड फॉर दैट वी नीड कैपेबिलिटी एंड फॉर दैट वी नीड पीपल. इफ वी वांट टू प्लग आवरसेल्फ इनटू ग्लोबल सप्लाई चेन दुनिया हमारी तरफ देख रही है जो अपॉर्चुनिटी हमारे पास की बात रखी है इस बात को जाने देंगे. एंड आई एम वेरी वेरी होपफुल दैट इंडिया विल अचीव दिस वेरी मच सूनर एंड लेटर एंड आई वुड स्टॉप एट 5 बिलियन आई थॉट इट्स गोइंग टू बी 10 बिलियन 20 बिलियन 30 बिलियन एंड इफ यू जस्ट टेक अ मेयर अप बाय 2050 यू विल सर्टेनली आर गोइंग टू बी बेटर एट बिकॉज़ ऑफ दैट. आई थिंक स्किल्स एंड दिस इज वी ऑलवेज टॉक अबाउट इंडस्ट्री एंड अकेडमिया इंटरेक्शन. आई थिंक लॉट नीड्स टू बी डन. मेनी यूनिवर्सिटी वी वर्क विद and I'm sure we can extend as much and whatever is required. Ma'am, any people rating it, after that, the education council hai, usne bahut zyada kaam kiya tha, suggestion diye the, and I'm very happy ki hamare jitne bhi suggestion the, har koi kehta hai, har koi bhi kehta hai, but we are very, very proud about it, ki actually mein hua tha, and why it happens, we don't sit at Apple Camp and say, people like you, who are sitting here are the ones who contributed experiential feedback, and therefore that is very happy.
ma'am. And we have done webinars, physical meetings across the country to share with people one of the better things of it. Sorry, our large members of our direct indirect, they also are from MSME, but also large ones. So they are also looking at pipeline of people. And my first question, there's always a gap of so where is this gap and whether we want to plug this gap? I'm sure this is not going to finish ever. And it is always nice that it is a dynamic system. Remember, rate of change. So all those things will continue, and I'm sure we will get there sooner than later. So thank you very much, Professor Dr. Mithun, for your words for joining us this morning, and all the people on the diet, teachers, sponsors, partners, people from the media, thank you all, staff from Africa, ma'am, office, the AEC, and everybody. Thank you very much for this morning session. Thank you, sir, for this beautiful vote of thanks. With you as the head of the chamber, our chamber will do progress week and round. Now may I request Mr. Kohl Shaker to present Rudraksha Sam to Madam Governor.